Hey guys, this is you, Sazad, and you're watching Alchemist Tutorial. Please subscribe my channel and press the bell icon for further. This is Gulabsha Parveen. You are watching Alchemist Tutorial. जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा आज का वीडियो साइंस के डेवलपमेंट से रिलेटेड है. आज की इस वीडियो में हम आपको साइंस की न्यू डिस्कवरी और साइंस से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में बताएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 5 डिस्कवरीज और न्यूज़. फाइव नंबर पर है कैट्स नो देयर ओन नेम. साइंटिस्ट पहले ही डॉग के बिहेवियर के और स्पीच की स्टडी कर चुके हैं, अब वो ह्यूमन कैट इंटरेक्शन की स्टडी कर रहे हैं. एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एट्सुको सैको. उन्होंने अपने कलीग्स के साथ मिलकर क्या किया, 77 कैट्स ओनर से कहा कि वे अपने कैट्स के नेम से सिमिलर नाउन को उनके सामने बोले. हर नाउन पर कैट्स का रिएक्शन ऐसा था कि उसका इंटरेस्ट लूज होता जाता है, बट जैसे ही ओनर कैट्स का नेम लेता है कैट्स स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करता है. तो इससे ये पता चलता है कि कैट्स नो देयर ओन नेम और कैट्स अपनी ईयर्स को, हेड को, टेल को मूव करने लगता है. फोर्थ नंबर पर है एम्फीबियन पॉपुलेशन आर ऑन द डेक्लाइन. अब ऐसा क्यों हो रहा है, एक फंगल पैथोजन है जिसका नाम है बैट्रा कोकाइट्रियम डेंट्रोबिटेडिस या BDB कहते हैं. ये फ्रॉग, टोड और अदर एम्फीबियन की स्किन को इन्फेक्ट कर रहा है. BT पिछले 50 ईयर्स में अप्रॉक्स 500 एम्फीबियंस की स्पीसीज को डिक्लाइन कर चुका है. मोस्टली इसका इफेक्ट ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकन रीजन में ज़्यादा है. ये पैथोजन अप्रॉक्स 90 स्पीसीज के एक्सटिंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. नंबर थर्ड है सम साइंटिस्ट आस्क फॉर बैन ऑन द जीन एडिटिंग ऑफ बेबीज. सम साइंटिस्ट सेज दैट एडिटिंग मे नॉट बी सेफ. बहुत से ऐसे अमेरिकन हैं जो इस टाइप की एडिटिंग को सपोर्ट करते हैं. क्यों सपोर्ट करते हैं, डिसीज के करेक्शन के लिए सपोर्ट करते हैं, बट ज़्यादातर जो पीपल है वो सोचते हैं चाइल्ड के इंटेलिजेंस को बूस्ट करना या उसे मोर एथलेटिक या अट्रैक्टिव बनाना रॉन्ग है. कुछ लोग इसे डिज़ाइनर बेबी भी कहते हैं. इस वजह से इस पर टेम्परेरी रोक लगाई गई है. नंबर सेकेंड पर है न्यूट्रोफिल. अब ये न्यूट्रोफिल क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल जो हमारे बॉडी में जो भी इन्फेक्शन हो जाता है उससे फाइट करता है. अब न्यूट्रोफिल बनता कहाँ, ये बोन मैरो में बनता है और सर्कुलेट इन द ब्लड. ये बहुत कम टाइम के लिए बनता है और जो न्यूट्रोफिल होता है माइक्रोब्स को इनगल्फ कर लेता है और डाइजेस्ट कर लेता है. इस तरह से वो इन्फेक्शन से फाइट करता है. नंबर फर्स्ट पर है साइंटिस्ट कीप सेल्फ अलाइव इन द ब्रेन ऑफ डेड पिग. अब ये रिसर्च कहाँ की गई, एट याले यूनिवर्सिटी इन न्यू हेवन. इसमें रिसर्चर्स ने कई सारे अप्रॉक्स 32 ब्रेन लिए जो कि डेड ब्रेन थे पिग के, और उनको आर्टिफिशियल सिस्टम में डाला. अब ये आर्टिफिशियल सिस्टम को उन्होंने ब्रेन एक्स नाम दिया. अब ब्रेन एक्स होता क्या है, इसमें एक फ्लूड होता है. ये फ्लूड जो है वो ब्लड को रिप्लेस करता है एनिमल के बॉडी टेम्परेचर पर. फ्लूड में सेम ऐसा ही प्रॉपर्टी होती है जैसे कि हमारे ब्लड में होती है. उस फ्लूड में ऑक्सीजन होता है, उसके साथ साथ शुगर और अदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसको ब्रेन सेल क्या करती है, फेड करती है. इस एक्सपेरिमेंट के 6 घंटे बाद क्या होता है, जो डेड ब्रेन होता है वो एक्टिविटी के साइन शो करने लगता है. O2 और शुगर ब्रेन टिश्यू में जाती है और CO2 बाहर निकलती है. इससे हमें ये पता चलता है कि सम सेल इन द ब्रेन वर स्टिल अलाइव. आई थिंक साइंस के फील्ड में ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है. ह्यूमन में ब्रेन हेमरेज होता है या ब्रेन अदर रीजन से इंजर्ड हो जाता है, तो अब इस डिस्कवरी के बाद ब्रेन सेल के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा. तो ये थी आज की कुछ टॉप 5 डिस्कवरीज और न्यूज़. इफ़ यू वॉन्ट टू डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, यू कैन विजिट अवर FB पेज.